जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में उस वक्त कुछ देर के लिए हंगामा हो गया जब शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला अपना भाषण दे रहे थे। इस दौरान जैसे ही उन्होंने शिक्षा विभाग को लेकर मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को प्राथमिकता से लिए जाने की बात कही तो सभागार में मौजूद राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन अली खड़े हो गए और उन्होंने उर्दू शिक्षा और शिक्षकों से भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021 के बाद भी प्राथमिक स्तर की उर्दू शिक्षा बहाल क्यों नहीं की गई, प्राथमिक शिक्षा में उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई और उर्दू शिक्षा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले कि मामला और बढ़ता मौके पर मौजूद शिक्षकों और पुलिस कायमखानी को बाहर ले गई। इस पूरे प्रकरण को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान उनके पास वो आए थे, मैंने उन्हें तभी कहा था कि जो भी समस्या है उसे दिखवाया जाएगा, लेकिन उन्हें एक सीन क्रिएट करना था जो उन्होंने किया। तीस विद्यार्थी जहाँ पर हमारे पास हैं वहाँ पहले से उर्दू शिक्षा दी जा रही है और नए तरीके से यदि कोई और इसमें बच्चों का इजाफा होता है तो उसके विचार करेंगे। मैंने आपने देखा होगा उस हम तो पता लग गया था कि वो कुछ बात करेगा, स्टेज पर बुला लिया और ये कह दिया था 5 बजे मैं जाहिदा जी और ACS बैठकर आपसे बात कर रही है, लेकिन उसको तो केवल एक अपना सीन क्रिएट करके नाम बताना था।